जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों आज बात हम लोग करते हैं कर्क राशि वालों के लिए, उनका भविष्यफल 2020 में कैसा रहेगा, पूर्ण भविष्यफल। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं मेष राशि से लेकर मिथुन राशि तक, वो वीडियो अवश्य देखिएगा। उनका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। किसी प्रकार की आपको कंसल्टेशंस लेनी हो, कोई क्वेश्चंस हो, अपना बर्थ चार्ट मुझसे पढ़वाना हो, या आपको बर्थ चार्ट बनवाना हो अपना हॉरोस्कोप, आप मुझे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर फ्लैश होते रहते हैं वीडियो में भी, और हर वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मेरे नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब दिए हुए हैं, इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप मुझे। और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सपोर्ट करते रहिए, जैसे आप लोग कर रहे हैं उसके लिए अति आभार है। और नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको जो है मेरे द्वारा पोस्ट किए गए सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। अभी बहुत सारे वीडियोस पोस्ट करने हैं आप लोगों के लिए। तो बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए उनका वर्ष कैसा रहेगा। जो अपनी किस्मत जो है कर्क राशि वाले अब की बार खुद बनाएंगे, चमकाएंगे। परिश्रम अवश्य है, ज़्यादा करना पड़ेगा, कुछ परेशानियाँ भी हैं जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, उसका उपचार भी है। लेकिन उनके मध्य में जो है आप लोगों को हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा, कई उपहार प्राप्त होंगे, कई वसीयत प्राप्त होंगी आपको, किसी को पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के पूरे योग बनते हैं, अचानक धन लाभ के भी योग बनते हैं। धन के लिए 2019 से 2020 का जो वर्ष है कर्क राशि वालों के लिए, वो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 75% बेटर है आप लोगों के लिए। धन की व्यवस्था सुंदर शुभ होगी, कई प्रकार के फाउंडेशन स्टोन्स रखे जाएंगे, ऐसा रखा जाएगा जिसके लिए आप अपना भविष्य आगे तक बना सकते हैं इन चीज़ों से। तो काफ़ी सुंदर स्थिति है। ये मत भूलिएगा कि बृहस्पति जो है अपनी राशि के चल रहे हैं छठे घर में केतु के साथ, और शनि देवता अपनी राशि के जो है सातवें घर में कर्क राशि वालों के लिए चल रहे हैं। तो कई प्रकार के आप लोगों को शुभ फल प्राप्त होंगे, कई प्रकार के आप लोगों के जो है वो एक धैर्य धीरज जीवन में आएगा, कई प्रकार की आपकी चिंताएं दूर होंगी जीवन में अगर आप लोगों को लगी हुई हैं। तो काफ़ी समय ठीक है, बल अच्छा रहेगा, उत्साह रहेगा आप लोगों को हर तरीके से। राज्य में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जो राज्य में नौकरी करना चाहते हैं उनको मेहनत से नौकरी प्राप्त करने के अच्छे अवसर हैं। और नौकरियों के लिए कौन से डिपार्टमेंट से कहाँ से वो पैसा कमा सकते हैं कर्क राशि वाले, या जो बच्चे उस एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं या जो कर रहे हैं वो काम, उसके बारे में भी अवश्य मैं बताऊंगा, तो अवश्य उसको ध्यान दीजिएगा। उधर से आपको धन अवश्य आएगा उन कामों से, बिजनेस से, सर्विस से, अगर आप उधर जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। नौकरी के लिए उत्तम समय रहेगा, व्यवसाय के लिए उत्तम समय रहेगा। जो लोग नई नौकरी प्राप्त करना चाह रहे हैं उन लोगों को नई नौकरी प्राप्त अवश्य होगी। नया व्यवसाय जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो अपना अवश्य जो है व्यवसाय स्टार्ट कर पाएंगे, उसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। जो पुराना व्यवसाय कर रहे होंगे वो भी बहुत अच्छी तरीके से प्रगति से चलेगा, उसका विस्तार होगा, उससे बड़े लाभ आपको प्राप्त होंगे। पार्टनर के साथ भी आपकी बड़ी सुंदर स्थिति बनी हुई है। पार्टनर जो है आपके जीवन में अगर किसी प्रकार का पहले से कोई कष्ट है या कोई उलझन है या परेशानी पिछले सालों में चल रही होगी, तो अब बहुत सुंदर समय आपका उनके साथ व्यतीत होने वाला है। जो नई शादी जिनकी होनी है, जिनकी विवाह होने हैं, उनको कर्क राशि वालों के उत्तम वर्ष है विवाह का, अवश्य उनका विवाह होगा, भाग्यशाली होंगे। भाग्य जैसे ही विवाह करेंगे वैसे ही उनका भाग्य जो है खुलेगा, खिलेगा। और जिनके विवाह हो चुके हैं हर प्रकार के उनके बीच में सामंजस्य आएगा, मधुरता आएगी, शांति आएगी, एक दूसरे को समझने की अच्छी समझ आएगी, शक्ति आएगी, विचार और रिश्ता आपस में दृढ़ होगा पार्टनर का। इस समय ये ऐसा वर्ष है जो पार्टनर्स को आपस में साथ मिलके चलना चाहिए, हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा पार्टनर्स को साथ में चलने। आपने जो नहीं सोचा हुआ उससे भी ज़्यादा आप लोगों को सुख प्राप्त होगा अगर पार्टनर्स एक दूसरे के साथ मिल के चलते हैं। किसी प्रकार का आप पार्टनरशिप का काम करना चाहते हैं वो आपको शुभ फल प्रदान करेगा, हर प्रकार से आपको जो है वो फलदायी होगे पार्टनरशिप। अगर आपके पार्टनर्स काम करते हैं किसी प्रकार के वो प्रोफेशन में हैं, बहुत सुंदर उनका वर्ष जाएगा, वो बहुत धन कमाएंगे।
वो अगर किसी प्रकार की पीछे परेशानी चल रही है तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप अपने पार्टनर को भी कहिए, हस्बैंड हो तो वो अपनी वाइफ को कहिए, और वाइफ काम कर रही हो तो हस्बैंड भी साथ में, उनका भी बड़ा अच्छा समय आने वाला है, तो दोनों जने इस समय काम करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा, क्योंकि ऐसे योग बन रहे हैं और दोनों के ही प्रोफेशनल वाइज काम के साथ आपस में मधुर संबंध भी, सब कुछ बहुत सुंदर चल रहा है, तो उनको हर प्रकार से उस क्षेत्र में भी जो है सफलता प्राप्त होगी। वाहन का सुख प्राप्त होगा, अगर आप वाहन लेना चाहते हैं तो उसका सुख प्राप्त होगा आपको। विदेश यात्रा जो करना चाहते हैं उनकी जो है सफल होगी ये इच्छा, अगर विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश से किसी प्रकार का कोई संबंध रखना चाहते हैं, वहाँ से किसी प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं, वहाँ घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं या कोई काम करना चाहते हैं, वो बहुत सुंदर रहेगा। कहाँ कहाँ वो सुंदर नहीं रहेगा वो अवश्य बताऊँगा। कुछ परेशानियाँ हैं कर्क राशि वालों के लिए जो उनको अवश्य देख के चलनी चाहिए, चलनी पड़ेंगी भी, अन्यथा उनको कष्ट होगा, तो वो बात बाद में करेंगे। लेकिन पार्टनरशिप से बहुत सुंदर आपको लाभ मिल रहा है, आपको जो है विदेश से कोई कार्य करते हैं तो बहुत सुंदर लाभ मिलेगा, बहुत प्राप्तियां हैं आपको। बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत सुंदर रहेगा विदेश से, और कई यात्राएं होंगी आपकी इस साल जो बहुत सुंदर होंगी। कई ऐसे सुख हैं जो आपके जीवन में स्थिर हो जाएंगे, उसमें से एक सुख है आपको मकान का, जिनके पास मकान नहीं है अब की बार वो मकान अवश्य ले लेंगे, ये 2020 के अंत होते तक वो एक वो मकान में अवश्य अपने जा पाएंगे, चाहे वो कोई पुराना मकान हो ले लें अगर, तो वो भी शुभ फलदायी रहेगा। दूसरा ये है कि उनके पार्टनर्स के बीच में जो समन्वय होगा, जो सामंजस्य बनेगा पार्टनर्स के बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में, वो बहुत दूर तक जाएगा, वो बहुत लंबे तक जाएगा, ये नींव धरेगा आगे के लिए सुख की, और कर्क राशि वालों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि कर्क राशि वालों को मेरे अपने हिसाब से जहाँ तक मैंने देखा है तो मैंने यही पाया है कि इनको कई प्रकार के सुख रहते हैं जीवन में, और बड़ा अच्छा करते हैं अपने जीवन में, बड़े जो है वो अच्छे हृदय के होते हैं, स्वच्छ हृदय के होते हैं, दया भावना इनके अंदर होती है, धर्मवान होते हैं। इन लोगों के प्रॉब्लम आती है आपस में पार्टनरशिप्स की, शादी की सबसे ज़्यादा इनको जो है आपस में समन्वय बनाने की जो है दिक्कत आती है, एक पार्टनर कभी जो है धीर गंभीर हो जाता है और एक जो है चंचल होता है आगे बढ़ना, जिसका जिस तरीके से जो है रोज प्रगति करने वाला, रोज आगे तेज भागने वाला, घूमने फिरने वाला, और एक जो है थोड़ा आप कह सकते हैं पुराण पंथी या दौर गंभीर या संतुष्ट, तो ये दोनों में आपस में सामंजस्य की दिक्कत आ जाती है, तो एक दूसरे के विचार नहीं समझ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं आपस में तालमेल फिर बन पाता है। अन्यथा मेरे हिसाब से अगर आप दूसरी बात पूछे तो कर्क राशि वालों का जो पार्टनरशिप है, मतलब किसी तरीके का जो हस्बैंड वाइफ की बात कर रहा हूँ, वो सबसे सुंदर है, क्योंकि अगर एक गाड़ी का पहिया बहुत तेज है और एक बहुत धीमे है तो आप उससे अनबैलेंस तो गाड़ी रहती है, लेकिन जब दोनों एक दूसरे को समझ लेते हैं तो उसमें सबसे सुंदर बात क्या होती है कि धीमे वाला भी ये सोचता है कि मुझे बहुत धीमे गाड़ी का पहिया अपने नहीं चलाना है, तेज वाला भी सोचता है मुझे बहुत तेज नहीं चलाना है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, धीरे वाला भी सोचता है कि भाई बहुत धीरे नहीं चलाना है नहीं तो हम पीछे ना रह जाएं, तो समन्वय बनेगा वो इस साल जो है आप लोगों के लिए बहुत सुंदर पक्ष है। मेरे हिसाब से कर्क राशि वालों के लिए सबसे सुंदर बात यही हो रही है कि आपस में दोनों मियाँ बेबी का सुंदर संबंध होगा, सब प्रकार की कपटता सब दूर होगी, आपस में प्रेम रहेगा, एक दूसरे को समझेंगे, और फिर आप लोग क्या नहीं हासिल कर सकते हैं खुद सोच लीजिए, जब एक अकेला आदमी बहुत कुछ करने योग्य होता है तो जब दो एक से दो हो जाएंगे तो आप लोग क्या नहीं कर सकते हैं। संतान जो है आपको प्राप्ति के पूर्ण योग है, जिनको संतान चाहिए उत्तम रहेंगे, मतलब वो बहुत जो है टेक्निकल माइंड रहेंगे, बहुत गौर गंभीर सोच समझने वाले संतान प्राप्त होगी जिनको संतान चाहिए, और या जिनकी संतान है वो अपनी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा करेंगे, अव्वल काम करेंगे, और किसी ना किसी जो है रूप में उनको प्रशंसा, किसी जो पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में, कोई जो है प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो प्रोफेशनल में उनको हर प्रकार का जो है धन सब कुछ प्राप्त होगा आपकी संतान को भी। कर्क राशि वालों के लिए उत्तम समय, माता का भी आप लोगों को जो है उत्तम सुख प्राप्त होगा, माता जो है आपके उनकी ब्लेसिंग मिलेंगी,
माता आपके लिए जो है समय आपके ऊपर दृष्टि बनाए रखेंगी, अपनी सुख और शुभ वाली दृष्टि माता की आपके ऊपर बनी रहेगी। ये भी बहुत सुंदर बात है आप लोगों के लिए, और जिम्मेदारी से काम करिए, ये बहुत आवश्यक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस बार परिश्रम से जिम्मेदारी से कर्क राशि वालों को काम करना है। ये नहीं है कि कोई भी आप शॉर्टकट लीजिए, कोई गलत काम करिए, इस तरीके के काम जो है अपना मत करिए। मेहनत मैंने आपको पहले ही बताया, परिश्रम ज़्यादा रहेगा, कई बार थोड़ा सा डीले भी होगा, ये काम आपको धीरे होते हुए नजर आएंगे लेकिन परिपक्व काम होंगे। वर्ष में एक बार ऐसा अवश्य आएगा कि थाली में सजा सजाया धन या सुख प्राप्त होगा, प्रभु की कृपा से, देवी की कृपा से, आपके पिछले पुण्य प्रतापों की वजह से, पिछले जन्म के, ये अवश्य आपको अब की बार प्राप्त होगा। कोई ऐसा सुख जो आप चाहते हो, कोई ऐसी इच्छा कर्क राशि वाले, उनको अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप धर्म पे चलें, धर्म की राह पे चलें, सच्चाई की राह पे चलें, नेकी की राह पे चलें। जो आपको रहा इस समय बृहस्पति देव और शनि देवता दिखा रहे हैं कर्क राशि वालों को, उस पे चलिए। शनि शनि देवता अपनी राशि में चल रहे हैं मकर राशि में, वो आपको धैर्य से काम करना, जिम्मेदारी से काम करना सिखा रहे हैं। बृहस्पति देव अपनी राशि में चल रहे हैं तो वो भी आपको हर प्रकार का धर्म से जुड़ने का, बड़ों का आदर मान सम्मान, जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी समझ के काम करना सिखा रहे हैं। उनके ऊपर चलेंगे आपको हर प्रकार का सुख उन्नति आप लोगों को प्राप्त होगी, और धर्म की मंत्र की शक्ति आपको प्राप्त होगी, तीर्थ की शक्ति आपको प्राप्त होगी, पिता का साथ मिलेगा, उनका आपको लाभ मिलेगा, उनका आपको जो है ब्लेसिंग मिलेंगी, गुरु का आपको मिलेगी। तीर्थ करने के बड़े सुंदर योग हैं आपके इस समय, और जाइएगा भी, अवश्य जाइएगा, हर प्रकार के आपको जो है लाभों में वृद्धि होगी। आप तीर्थ में जाएंगे तो भाई बहनों से आपका जो है सुंदर समन्वय रहेगा, और हर प्रकार का उनके साथ जो है आपकी लाभ की स्थिति है, टकराव की स्थिति नहीं बनती है। जहाँ बनती है वो मैं बताऊँगा आपको कि किस प्रकार से उनके साथ टकराव की स्थिति बन सकती है आपको। तो आप धर्म कर्म में रहेंगे, मंत्र में रहेंगे, जिनको उस तरफ बढ़ना है तो हर प्रकार के लाभों को अपने आप लोग बढ़ा लेंगे। जो मैंने आपको बताया है कि जो आपको एक बार सुख मिलेगा इस वर्ष जो है वो अवश्य मिलेगा, अगर आप धर्म कर्म से जुड़े रहेंगे सुंदर तरीके से, और आप अपने सुख को इस समय स्थापित कर सकते हैं। ये वर्ष आपको सुख पाने का नहीं है, ये आप समझ लीजिए, आप सुख को अपने जीवन में आगे आने वाले जीवन के लिए हमेशा के लिए स्थापित कर सकते हैं। तो ये बड़ी सुंदर बात है, आप इस बात को अवश्य ध्यान दीजिएगा कि सुख की स्थापना करना। तो सुख की स्थापना आप कैसे कर सकते हैं, जब आप जो है सुंदर तरीके से, ईमानदारी तरीके से, आपस में दोनों पहिए मिलके, हस्बैंड और वाइफ, पार्टनर्स दोनों मिलके बड़ी मेहनत से, बड़ा जो है परिश्रम से, आप भाग आपका साथ देगा, धर्म आपका साथ देगा, माता पिता की आपको ब्लेसिंग मिलेंगी, और आप कुछ ऐसा काम कर जाएंगे या जो आप काम कर रहे हैं वो इस तरीके से स्थापित हो जाएगा कि आपके लिए फिर जो ये भौतिक सुख हैं वो एक तरीके से परमानेंट हो जाएंगे। तो ये बहुत सुंदर आप लोगों के लिए वर्ष है इस चीज़ के लिए। पिता के धन में मैंने आपको बताया उनकी ब्लेसिंग्स रहेंगी, उनके भी वृद्धि होगी धन में, कर्म में उनके वृद्धि होगी, उनका आपको साथ मिलेगा हर प्रकार से। आपको जो पार्टनर है उसका भी जो आप, वो भी जो है बहुत पुण्यवान रहेंगी, मतलब उनका भी धर्म में बड़ा मन रहेगा, धर्म में जो है उनकी आस्था रहेगी, वो भी धर्मवान होंगी पहले से ज़्यादा, तो ये भी एक बहुत सुंदर बात है आपके लिए। और समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, शुभ कार्यों में आपका धन खर्चा होगा। ये बहुत सुंदर बात है कि आपका जो खर्चा अगर हो रहा है, अगर हमारा, और अगर वो शुभ कार्यों में हो रहा है तो ये सबसे उत्तम है। कहीं उल्टी सीधी चीज़ों में, उल्टे सीधे कामों में हमारा धन खर्चा ना हो, उससे सुंदर क्या बात हो सकती है। विद्या के जो कर्क राशि वाले जो खुद अपनी पढ़ाई के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत सुंदर समय है, बहुत अच्छी विद्या प्राप्त करेंगे, हर प्रकार की ऊँची सी ऊँची विद्या, टेक्निकल नॉलेज, हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं उनको प्राप्त होगी। किसी कारणवश अगर उनको विद्या, उनमें किसी प्रकार का अवरोध आ जाता है तो उसके लिए उपाय हैं, और अगर अवरोध आ भी जाता है किसी को तो बीच में मैं ये अवश्य बताना चाहूँगा कि शायद उनके लिए अब काम शुरुआत करने की ये संकेत हैं। तो आप जहाँ पर आपकी विद्या पूर्ण हो गई हो तो आप अपने लायक, अपनी समझ का काम ढूंढिए और उस काम में लग जाइए, चाहे व्यवसाय चाहे सर्विस,
वो आपके लिए जो है ये संकेत है। अगर आपको लग रहा है कि हम विद्या किसी प्रकार से हमारी रुक गई है या पूर्ण नहीं हो पा रही है, पहले तो पूर्ण ही होगी लेकिन अगर कहीं अवरोध आता है तो इसका ये संकेत जानिए कि अब आपको जीवन में आगे अपने काम करना है, जीवन में आगे बढ़ के अपनी व्यवसाय या नौकरी की तरफ आपको आगे बढ़ना है। आप लोगों का धन बढ़ेगा, आप लोगों का जो है हर प्रकार की सुख की प्राप्ति होगी, प्रसिद्धि होगी, यश की प्राप्ति होगी आप लोगों को। कई बातें आप लोग जीवन के मर्म को समझेंगे, कई अंदरूनी बातों को समझेंगे लाइफ में कि असली सुख क्या है, असली दुख क्या है। तो इसलिए कई प्रकार के आपको वर्ष में अगर कठिनाइयां आएंगी भी तो भी आप लोग उसको एक तरीके से देखा जाए पॉजिटिवली लेंगे, आप उससे हताश नहीं होंगे, उससे कुछ सीखेंगे ही सीखेंगे। हर आदमी को जो है भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए, आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, इसका अर्थ ये नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा है कि हम लोगों को ये भी पता चलता है कि अगर हमको कभी कभार भौतिक सुखों को मिलने में कुछ परेशानी हो रही, कुछ अवरोध हो रहे हैं, किसी प्रकार का जो है हम लोगों को संतुलन बनाना पड़ रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। तो कई बार आपको संतुलन बनाना पड़ेगा आपकी बार वर्ष में जो है अपने लिए, कई चीज़ें आपको त्यागनी पड़ेंगी, छोड़नी पड़ेंगी आपको शुद्धता शुभता हर प्रकार के लाभ पाने के लिए, ये बहुत आवश्यक है कर्क राशि वालों के लिए। हाँ, मैंने आपको बताया भाग उत्तम रहेगा, आपके कर्म उत्तम रहेंगे, परिश्रम चाहे आपको ज़्यादा करना पड़ेगा लेकिन उसके बाद भी आपको ये समझना पड़ेगा कि अवरोध हैं किसी ना किसी तरीके के, लेकिन सारे अवरोध आपके सुंदर तरीके से चलने से, आपके ऑनेस्टी से चलने से, सच्चाई के रास्ते पे चलने से हर प्रकार के अवरोध आपके ख़त्म हो जाएंगे, किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं रहेगा आप लोगों को। आप किसी तरीके से ये ना सोचिएगा कि ये वर्ष आपका किसी तरीके से नीचे करने वाला है या कोई परेशानी करने वाला, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आ रही है। धन कमाने में अगर किसी आदमी को प्रॉब्लम आ रही है तो ये वो लोग तब इस ये सीखने के लिए उनके आ रही है कि धन कमाने के लिए मेहनत करना सच्चाई से ईमानदारी से बहुत आवश्यक है और परिश्रम से ही धन प्राप्त होता है। कई लोगों को ये सीख मिलेगी तो उसको अन्यथा या ये सोच मत लीजिए कि हमको धन नहीं प्राप्त हो रहा है या गलत कामों से धन कमाने की आपको इस बार जो है वो वृत्ति है और चांसेस हैं, उस तरफ मत बढ़िए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं से वो कष्ट लेके आएगा धन, इसीलिए मैं बिल्कुल इस चीज़ की सलाह नहीं देता हूँ कि उस प्रकार का कोई भी धन जो है आप अपने जीवन में आने दीजिए किसी भी प्रकार से। और दोस्तों हर प्रकार का आपको लाभ मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी, यश मिलेगा और शारीरिक स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। लेकिन ये कब तक? जब तक आप सही रास्ते पे चलेंगे। ये इस बार का कर्क राशि वालों के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क और सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। आपको सुख शांति चाहिए मानसिक और आपको शारीरिक स्वास्थ्य चाहिए, सही रास्ते पे चलिएगा। किसी प्रकार का भी कोई गलत तरीके का कर्म किया हुआ आपको रोगों की तरफ ढकेलेगा, ऋण की तरफ ढकेलेगा, कष्टों की तरफ ढकेलेगा, हर प्रकार की आपको प्रॉब्लम्स उठानी पड़ेंगी। अन्यथा हर प्रकार की शांति, हर प्रकार का सुख मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, आपको सब कुछ प्राप्त होगा, कर्म उत्कृष्ट प्राप्त होंगे, लाभ प्राप्त होंगे हर प्रकार से। लेकिन आप लोगों को सही रास्ता चुनना पड़ेगा उसके लिए। हम लोग अब बात करते हैं कि कौन कौन से नौकरी या कौन कौन से व्यवसाय की तरफ कर्क राशि वाले लोग जा सकते हैं। है हैंडीक्राफ्ट से किसी भी प्रकार की हस्तकला का कोई काम खोलना चाहे वो कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसी प्रकार का बिजनेस करना चाहे कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी से भी इन लोगों को फायदा है। अगर जो लेना चाहे बाहर विदेश के संबंध से किसी भी प्रकार के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो नौकरियां हो, बिजनेस हो, जिसमें कहीं विदेश से संबंध हो या आपके शहर से दूर से संबंध हो, 100% बहुत सुंदर नौकरियां हैं, बहुत सुंदर काम है, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो, कंप्यूटर का काम हो, टेलीकॉम का काम हो, सब बहुत सुंदर चलेगा, बहुत सुंदर फल आपको प्रदान होंगे उस चीज में मिलेंगे आपको, विदेश से संबंधित जो भी चीज़ें हैं आपको। पुलिस वालों के लिए बहुत अच्छा काम है, जो पुलिस में डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं, जो हिस्ट्री सब्जेक्ट लेके IAS PCS की तैयारी करना चाहते हैं, बहुत सुंदर बात है। राइटर्स के लिए बहुत सुंदर वर्ष है, डॉक्टर के लिए बहुत सुंदर वर्ष रहेगा, बैंकिंग के लिए बहुत सुंदर वर्ष रहेगा जो बैंकिंग में जाना चाहें, राइटर्स है, प्रिंटिंग है, पब्लिशर्स में जो जाना चाहें, पब्लिशिंग का जो काम करना चाहते हैं सुंदर उनको लाभ प्राप्त होगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, एथलेटिक्स में एथलीट बनना चाहते हैं या स्पोर्ट्स से रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं, फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहें, फॉरेस्ट इंजीनियर हैं, उनसे रिलेटेड सर्विसेज
या फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई भी बिजनेस जो वहाँ से सामान आता है, मसाले आते हैं, हजारों प्रकार की चीज़ें आती हैं, उस तरफ आपका इंटरेस्ट हो वो वाला बिजनेस करिए, आपके लिए बहुत शुभ होगा। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत फ़ायदा आपको प्राप्त होगा। इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग बहुत सुंदर है आपके लिए, रियल इस्टेट का काम बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए, किसी किसी के लिए जो है वो माइनिंग है, ऑयल है, इन चीज़ों से संबंधित काम शुभ रहेगा। किन्हीं किन्हों के लिए जो है इंटरटेनमेंट में जाना भी सुंदर रहेगा, मॉडलिंग, एक्टिंग, थिएटर्स, ये भी बहुत सुंदर काम है, उससे आपको धन प्राप्त होगा। गवर्नमेंट सर्विस है, प्राइवेट सर्विसेज सुंदर लगने के योग हैं आप लोगों को। ये सब डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे आप लोगों को सब सुख और सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। अंत में मैं सुख के लिए कर्क राशि वालों के लिए आप लोगों को यही कहूँगा और यही सलाह भी दूंगा आप लोगों को कि हर प्रकार का आप लोगों को सुख मिलेगा, धन मिलेगा, शारीरिक स्वास्थ्य मिलेगा, अपने जन संपर्क आपका बढ़ेगा, आपकी कम्युनिकेशन सुंदर होगी जब तक आप रखना चाहेंगे, माता का आपको सानिध्य, सहयोग, प्रेम, नया घर आपको उपलब्ध होगा, मिलने की पूरी संभावना है, विद्या पढ़ाई आपकी उत्तम रहेगी, संतान का पक्ष उत्तम रहेगा, रोग ऋण झंझट परेशानियों से आप लोगों को मुक्ति मिलेगी, पार्टनर के साथ उत्कृष्ट वर्ष है आपका, आपकी आयु वृद्धि रहेगी, हर प्रकार की आपकी आयु जो है कहने का मतलब है आपको आयु का सुख मिलेगा, धर्म का, भाग्य का, पिता का सुख मिलेगा, कर्म का सुख मिलेगा आपको, आपकी जो दैनिक आय है जो डेली रूटीन में हम पैसा कमाते हैं वो सुंदर रहेगी आपकी, बाहर से आपको विदेश से बहुत फायदे हैं, ये सब कब ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। कुंडली में 12 घर होते हैं और कर्क राशि वालों को इन सारे घरों से सुंदर लाभ प्राप्त होंगे, लेकिन वो कब तक, जब तक आप अपनी इच्छाओं को उल्टी सीधी तरीके से बढ़ने नहीं देंगे, सही रास्ते पे रहेंगे, धर्म पे रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, मेहनत से काम करेंगे, कई ऐसे जो कार्य हैं जो गलत हैं, चोरी चकारी कपट, अपनी सेहत के साथ किसी तरीके का खिलवाड़, जिसके लिए कोई जुआ सट्टा शराब मदिरा, इन सब से दूर रहेंगे, कोई अनैतिक संबंध उनसे दूर रहेंगे आप, आपको हर प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे, आपका भाग्य में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं होगा और आप ये मान के चलिए आपको हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं हम लोग के नकारात्मक पक्ष कहाँ कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए, जहाँ उनको देखना बहुत ज़रूरी है। नीति नियम का जैसे मैंने बताया ख्याल अवश्य रखिए, नीति नियम का ख्याल नहीं रखेंगे कई प्रकार के आप हानि उठा लेंगे इस वर्ष में भी, क्योंकि वो नीति पे चलना, नियम पे चलना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। किसी तरीके की भी नीति नियम हो आप जान सकते हैं, पारिवारिक, शारीरिक, काम करने का नीति नियम, हर प्रकार का आपको नीति नियम जीवन में फॉलो करना है। अगर आपने नहीं किया हुआ आप सोच लीजिए कष्ट को न्योता दे रहे हैं। किसी प्रकार की भी चोरी, ठगी, तस्करी, फ्रॉजरी, किसी भी प्रकार की हानि आपको देगी, ये सब काम मत करिए, ईमानदारी से आगे बढ़िए। सुंदर वर्ष है, शनि देवता, बृहस्पति देव, केतु देवता के साथ मिलके आपको पूर्ण सहयोग करेंगे, पूर्ण फल आपको प्रदान करेंगे। राहु देवता आपके 12वें घर में बैठे हुए वो भी आपको फल प्रदान करेंगे। ये उन्हीं की चीज़ें हैं, उन्हीं की वजह से ये पॉइंट्स हैं कि आपको इन सब तरीकों की तरफ जाने का मन करेगा, कपट, चोरी, ये, लेकिन उधर मत जाइएगा, उधर जाएंगे नहीं जाएंगे हर प्रकार का आपको लाभ प्राप्त होगा। उनके गुड साइड्स में रहिए इन ग्रहों के, आपको हर प्रकार का लाभ प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार की रेस, लाठी, सट्टा, ये आपको नुकसान देगी, ये सब काम बिल्कुल भी मत करिए। भोग आपको अस्पताल पहुंचा देंगे, मैंने आपको पहले ही बताया, किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा खाना, डायबिटिक पेशेंट्स, लीवर, पेट की प्रॉब्लम्स, किसी प्रकार का शराब मदिरा, किसी भी प्रकार की गलत चीज़ें आपको अस्पताल पहुंचा देगा। पूरे संजोग बनाए हुए हैं उन चीज़ों के, आपको अब फैसला करना है कि आपको उनसे दूर रहना है इस वर्ष और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। संजोग बने हुए इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ इन चीज़ों के लिए, और हर प्रकार का जो है अपयश से बचें, कोई ऐसा काम ना करें जो आपको अपयश दे, इन द सेंस के कोई भी ऐसा काम ना करिए जो आपको आपके मान को ठेस पहुंचाए, आपको हानि पहुंचाए, क्योंकि वो भी आपकी गति को, आपकी शुभता को अवरुद्ध करेगा। तो कोई ऐसा काम ना करिए जिससे आपकी मान हानि हो, आपके सम्मान को ठेस पहुंचे।
और किसी भी चिंता से बचें। चिंता लग सकती है आपको कार्य को लेके कि मैं ये कार्य कैसे निपटाऊंगा, या किसी प्रकार का मेरे ऊपर लोन चढ़ा हुआ है, या किसी प्रकार के ये काम कैसे पूरे होंगे मेरे जीवन में। चिंता मत करिए, कार्य करिए, क्योंकि हर तरीके का आपको ये सोच लीजिए कि ये चिंता सिर्फ एक आपको डाउन करने के लिए, आपके लिए एक आपके ऊपर एक तरीके का जो है वार किया गया है। तो उससे बचिए, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ एक चीज है जो आपके सर के ऊपर लटकाई जाएगी इस वर्ष में, और वो है व्यर्थ, उसका कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए उसको बेकार का तूल मत दीजिए। खाना पीना पैसा मैंने आपको सब बता दिया, हर प्रकार की चीजें प्राप्त होंगी। चिंता को अपने अंदर मत आने दीजिए। कोई काम डीले से हो रहा, थोड़ा देर में हो रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, तो ये मत सोचिए कि अब उसकी चिंता पाल के बैठ जाए, क्योंकि फिर वो कई बीमारियों को, कई परेशानियों को और कई गलत रास्तों की तरफ आपको जाने के लिए प्रेरित करेगी। ये काम बिल्कुल भी मत करिएगा। और पैसा देख दाख के खर्चा करें, पैसा अवश्य आएगा, लेकिन उसका खर्चा जो है देख दाख के करें। अनाप शनाप तरीकों से इन्वेस्ट मत कर दीजिए, अनाप शनाप तरीकों से उसको वेस्ट मत कर दीजिए। वेस्ट करने के तरीके मैंने आपको बता दिए कि उल्टे सीधे तरीकों से पैसा ना आप वो करिए। और पढ़ाई के पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा जो है अनर्थ का द्योतक है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ये सुंदर साल है, आनंद उठाइए पार्टनर के साथ, किसी प्रकार का जो है उनके साथ अपने हस्बैंड वाइफ जो है समन्वय और तालमेल बना के चले, और पार्टनरशिप भी जो आप काम करते हैं उसमें भी सुंदर सहयोग बने, किसी प्रकार की उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा ना होने दें। पिता की सेहत का ख्याल रखिएगा, हो सकता है कभी ऊंच नीच हो जाए। माता की सेहत का ख्याल रखिएगा, वो हो सकता है ऊंच नीच हो जाए। आपकी सेहत तब तक ठीक रहेगी जब तक आप रखना चाहेंगे, सीधे रास्ते पे चलेंगे। आपको अगर तलवार का घाव लगना होगा तो सिर्फ एक पिन का घाव आपको लगेगा, पिन जैसी चोट आपको चुभन महसूस होगी। ये मैं आपको वायदा करता हूँ कर्क राशि वालों को। और अपने लोगों से किसी प्रकार का लड़ाई झगड़े से बचें, जिसमें भाई बहन आते हैं, दोस्त यार आते हैं। भाई बहनों के लिए मैं उस समय यही कह रहा था, सब शुभ रहेगा, लेकिन किसी प्रकार की उनसे लड़ाई झगड़ा मत कर बैठिए। योग बनते हैं, आपके भाई बहन हैं, चीज़ों में विशालता लाइए, दृढ़ता लाइए, अपने अंदर फैलाव लाइए, जो विस्तार है आपका। तो भाई बहनों को अपने अंदर समन्वय करना, सामंजस्य बनाना सीखिए हर तरीके से, छोटे भाई बहन जो आए आपके। और गुप्त रूप से कोई भी काम मत करिए। आप सोचिए कि हम कोई छुप के पाप कर लें, वो पकड़ा जाएगा, उजागर हो जाएगा इस साल, आपको उससे हानि, अपमान, अपयश सब कुछ प्राप्त होगा। तो उस तरफ कतई ना बढ़े। किसी प्रकार की आप लोगों को परेशानी अगर कर्क राशि वालों के लिए होती है, शिव जी के पास जाइए, वो अवश्य आप लोगों के लिए भला करेंगे। बहुत सुंदर आपको जो है फल प्राप्त होगा शिव जी को वो करने से। इस वर्ष का सबसे मूल बड़ा मूल मंत्र है जल का दान करिए। आप जल का दान जो है कहीं वाटर कूलर लगा दीजिए, कहीं आपको हॉस्पिटल में अगर लगाते हैं तो उत्तम रहेगा आप लोगों के लिए, कि किसी अस्पताल में, किसी ऐसी जगह में आप जो है पानी का कोई जो है वो स्रोत लगवा दीजिए, जिससे वर्ष भर पानी का दान होता रहे। हर प्रकार की आपको कष्ट परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। किसी प्रकार को अगर आपको परेशानी हो रही हो, तुरंत आप जल का दान कर दीजिए, शिव जी की पूजा करिए। और तीसरा इम्पॉर्टेंट सबसे पॉइंट है कि हर प्रकार के कष्ट कलेश से दूर रहने के लिए नियमित रूप से पूजा अवश्य करिए, साधना अवश्य करिए। जिस जो भी आपके ईष्ट हैं उनकी ईष्ट की जो है पूजा सुबह शाम अवश्य करिए, एक माला एक मंत्र अवश्य करिए, आपको हर प्रकार का लाभ होगा। कर्क राशि वालों को लिए बहुत सुंदर समय बना हुआ है, पूरा लाभ उठाएं उसका। कृष्ण आप लोगों के साथ शुभ ही करेंगे। जय श्री कृष्ण।